स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ समरा फातिमा। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जामिया बीएड नर्सरी एजुकेशन का एंट्रेंस पेपर 2021 का। सॉल्व तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन करे हैं, लेकिन पेपर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो अब जो नेक्स्ट ईयर के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक आइडिया लग जाएगा पेपर को देखकर कि किस तरह का पेपर बीएड नर्सरी का जामिया में आता है। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज इन द गेम ऑफ फुटबॉल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेनल्टी किक। क्वेश्चन नंबर फाइव है, वेयर इज नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कानपुर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लास। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच संस्कृत पोइट इज कॉल्ड एज एन इंडियन शेक्सपियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कालिदास। क्वेश्चन नंबर एट है, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच इज़ द हाईएस्ट फाइनेंस बॉडी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिडबी। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, वेयर वॉज टनकोई ब्रोकेड डेवलप्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइड सैक ऑफ द सेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है हमारा, अ नेशनल लीडर हुज बर्थडे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल एजुकेशन डे ऑन नवंबर 11 इज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2013। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 16, IBRD इज ऑल्सो नोन एज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 17, द बरमूडा ट्रायंगल लाइज इन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग अ फ्यूचरिस्टिक हाई एल्टीट्यूड सेटेलाइट टू स्ट्रेटन द कंट्रीज मिलिट्री स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ बुक टाइटल्ड प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सनीत पॉल चौधरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, What is the theme of National Horticulture Fair 2021? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21, राइट टू इक्वालिटी आर गिवन विच आर्टिकल टू द ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 14-18। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, एट प्रेजेंट हु अमंग द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्ति कांता दास। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वॉज आयुर्वेदा पर्व ऑर्गेनाइज बाई आयुष मिनिस्ट्री इन कोलेबरेशन विद विनोवा सेवा परिस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 24, द एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हु रिसेंटली गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर एड्रेसेस क्लाइमेट क्राइसिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेटा थनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 25, नोबेल लॉरेट इसामू आकासाकी ऑफ जापान हैज़ वन द नोबेल प्राइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स रेसिडेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 27, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस ब्रिज इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेनाब। क्वेश्चन नंबर 28,
National Health Policy for Rare Diseases was approved recently. As per the policy, financial support of 20 lakh is to be provided under which of the following? Iska sahi jawab hai option A, Rashtriya Arogya Nidhi. Question number 29, which of the following cups, trophies is associated with the game of cricket? Iska sahi jawab hai option A, Ranji Trophy. Question number 30, which supercomputer is developed by Indian scientist? Iska sahi jawab hai option B, Param. Question number 31, which one does not belong to the group? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 77. क्वेश्चन नंबर 32, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? सेम क्वेश्चन अगेन, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सॉल्ट. क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सॉल्ट. क्वेश्चन नंबर 34, लॉयन, फ्लैश, काउ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रास. क्वेश्चन नंबर 35, मून, सैटेलाइट, अर्थ? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लैनेट. क्वेश्चन नंबर 36, ट्रेवलर, जर्नी, सेलर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वोएग. क्वेश्चन नंबर 37, TRLNXZTVJLFH? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, NRPT. क्वेश्चन नंबर 38, AT, और ये इसके बाद इसकी स्पेलिंग को आई थिंक इन्होंने घुमा दिया है. फिर आउटपुट, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, TUOTUP. क्वेश्चन नंबर 39, इफ पेस्चर इज कोडेड एज TRPUASE, हाउ वुड 70 बी कोडेड एज? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 40, इफ चाइल्ड इज रिटन एज IMOQJ, हाउ विल द बेबी बी रिटन एज? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 41, इफ रोज इज कोडेड एट 6821, चेयर इज कोडेड एज 73456 एंड प्रीच इज कोडेड एज 961473, वॉट विल बी द कोड फॉर सर्च? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 214673. क्वेश्चन नंबर 42, पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ, मृणालिनी सेड हर सन्स फादर इज द ओनली सन इन ऑल ऑफ माय मदर, हाउ इज मृणालिनी इज रिलेटेड टू द लेडी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मदर. पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, वीना सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू वीना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रदर. क्वेश्चन नंबर 44, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 31542. अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर रीजनिंग से हैं, तो आप इनको खुद ही सॉल्व करिएगा. आपको अगर जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनमें अगर आपको लगता है कि मैंने किसी का गलत आंसर बताया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. अब आप लोग जो है इसको देखते रहिए, स्लाइड को मैं थोड़ा फास्ट कर देती हूँ. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपने पास कॉपी में नोट डाउन करके सॉल्व करते रहिएगा. टोटल क्वेश्चन आपके आई थिंक 85 आए थे, तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप आराम से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लीजिए. PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था. इसके अंदर भी रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, सिविक्स, सब तरह से सवाल इसके अंदर आए थे. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. इस तरह के जितने भी एंट्रेंस जामिया में इस टाइम हो रहे हैं उन सभी की वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करी जाएगी. उनका PDF भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा. आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है. अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको लगता है कोई सवाल गलत है या किसी दूसरे सवाल का जवाब जिसका मैंने आपको नहीं बताया आपको पता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं. धन्यवाद.